हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी और डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मिशन 2020 में लेके चल रहे हैं और 2nd of August आज है। ये लेसन्स 2 महीने से आ रहे हैं लगातार, आप इन लेसन्स को फॉलो करना है आपको। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेसन्स शाम को आते हैं। पॉकेट न्यूज़ ऐप जो है ट्रेंडिंग के ऊपर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और जो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको बता रखा है कि जो फेसबुक का ग्रुप में रहा है वहाँ पर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी इंटरेक्शन वहाँ पे कर सकते हो। पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाती है और इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे वीडियो के दिया गया है और इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो स्टडीआईक्यू के ऊपर। और ये है वेबसाइट का एड्रेस, थैंक्स लॉट। और ये है जो ग्रुप जहाँ पर ये पीडीएफ और मिलती है, और बाकी जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और ये है इंपॉर्टेंट लिंक। क्वेश्चन है आर्टिकल 340 किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 340 जो है, देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के, और ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं वो जो सीरीज़ है उन्हीं के आसपास घूमते हैं। तो ये जो शेड्यूल कास्ट वाला है वो 341 है और अपलिफ्टमेंट ऑफ एसटी से भी रिलेटेड ये नहीं है। एक कमीशन होगा जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 340 बोलता है। और ये प्रेजिडेंट को ये निर्देश देता है कि आपको, और ये फिक्स करना है कि भाई एक तो कंडीशन जो है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ कोई भी अगर डिक्लेयर होती हैं तो उनका इशू सॉल्व हो। और अभी जो क्या चल रहा है कि देखिए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था, एनसीबीसी बनाया गया था अभी, और 2017 से ये चल रहा है कि जो उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन हो, उसमें इशू ये है कि भाई कुछ कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि ओबीसी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो काफ़ी एडवांस्ड हैं और वो इतना कोई बैकवर्ड भी नहीं है एजुकेशनली और हर तरीके से, और उसमें इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस कास्ट्स हैं, तो वो ज़्यादा फायदा उठा लेती हैं इस रिजर्वेशन का। और जो एकदम ही एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो इसका फायदा नहीं ले पाती हैं, तो इसलिए इसमें कैटेगराइजेशन करना, सब कैटेगराइजेशन करना ओबीसी का वो ज़रूरी है। तो उसके रिगार्डिंग इशू है और अभी उसका एक्सटेंड किया गया है ताकि उसको और अच्छे से देखा जा सके। तो आर्टिकल 340 का आंसर होगा ए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये है इसका टेक्स्ट आर्टिकल 340 का, जो भी कुछ ये बोलता है इसमें। देखिए प्रेसिडेंट जो है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है, और क्योंकि इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट ही है, तो अधिकतर बातें जो है प्रेसिडेंट को ही एड्रेस की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये चीज होगा। नेक्स्ट ये है आर्टिकल 340, और देखिए आर्टिकल 14 जो है वो क्या बोलता है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है, लेकिन एक इशू, एक चीज ये लागू होता है कि इक्वालिटी जो है अनइक्वल्स के बीच में नहीं हो सकती है। अब एक तरफ लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, रोड के ऊपर रहते हैं इंडिया में, एक तरफ बिल्कुल रिच क्लास है जो आसमान में रहते हैं, तो उनके बीच में इक्वालिटी नहीं मेंटेन हो सकती, इसलिए अनइक्वल्स को कभी भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सच है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। इसलिए इक्वालिटी लाने के लिए और कुछ सपोर्ट दिया गया है जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोला गया है, जिसका एग्जाम्पल है आरक्षण इस देश के अंदर, और वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेज में आ चुका है। अब इसी के रिगार्डिंग इशू है और एनसीबीसी कमीशन जो भी बनाया गया था, और इसमें सब कैटेगराइजेशन की बात है, ये 2015 में ही स्टार्ट हो गई थी और 2017 में जो है इसी आर्टिकल के पावर के अंडर उन्होंने ये बोला था कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाए जो कि इस सब कैटेगराइजेशन को देखेगा, इस इश्यू को, जिसमें जस्टिस जी रोहिणी जो हैं जो इसको चेयर कर रहे हैं इस कमीशन को, तो ये आपको याद रखना है, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो जस्टिस जी रोहिणी जो है किस कमीशन को चेयर कर रहे हैं, रिटायर्ड ही जज हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा जो है, आज एक न्यूज़ भी आई है कि भाई कुछ इश्यूज जो हैं उनके अंदर कुछ ढूंढा गया है कि भाई डिसाइफर तो नहीं हो पाया पूरा, पर क्या लिखा हुआ है सील्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन उनके पैटर्न जो है किस तरीके से शायद लिखे गए होंगे वो जरूर कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जानने की कोशिश की है, तो ये इशू है। और आज तक जो है हड़प्पा के सील जो है उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो लैंग्वेज जो है वो नहीं है पहचान पाए, क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है यहाँ पर किसी भी और दूसरे स्क्रिप्ट वगैरह से। तो कौन सी चीज़ें जो है जो हड़प्पा सिटी में मिली हैं, फायर अल्तार क्या मिला है, देखिए फायर अल्तार के लिए फेमस है कालीबंगन, यहाँ पर नहीं मिला है, ये गलत है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, कालीबंगन नॉर्दर्न राजस्थान में इंडिया में, ये गलत है, वहाँ पर जुता हुआ खेत और फायर अल्तार दो चीज़ें यूनिक मिली हैं। डाइस बिल्कुल मिला है, पशुपति सील नहीं, ये मोहन जोदाड़ो सिटी में मिला है, पशुपति सील जो बहुत फेमस है इंपॉर्टेंट वो मोहन जोदाड़ो में मिली है, तो ये गलत हो जाएगा। कॉपर स्केल और कॉपर का मिरर बिल्कुल मिले हैं, कॉपर का काम होता था क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या थी चालकोलिथिक एज थी और उस टाइम पर यही यूज होते थे, तो जो बाकी जो मेटल्स वगैरह हैं वो सारे बाद में मिले हैं, लोहा तो बहुत बाद में मिला है 1000 BC के आसपास मिला है, तो कॉपर स्केल और कॉपर का ही मिरर जो है वहां पर मिला है, तो 4 सही होगा। और कॉफिन बरियल एक अकेली ऐसी जगह है हड़प्पा सिटी जहां पर कॉफिन बरियल के कुछ अवशेष मिले हैं। अब देखिए जो इजिप्ट है उनकी जो सभ्यता है उसके अंदर तो मिलते ही थे, लेकिन यहां पर कॉफिन बरियल पहली बार इसी शहर में इसके एविडेंसेस देखे गए हैं, तो कॉफिन बरियल
वहां पे मिला है, तो इसका आंसर होगा 2, 4 and 5, तो आंसर होगा डी। ये सारी जो चीजें हैं जो वहां पर मिली है, मेनली पॉटरी मिली है और चर्ट की ब्लेड्स मिली है और जो वेट्स मिले हैं, कुछ टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं, कॉपर स्केल मिरर हैं, वीट और बार्ली वुडन मोर्टार में मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है कि वुडन मोर्टार होता था, ठीक है, ये एक यूनिक चीज है। मदर गॉडेस की फिगर में यहाँ पर मिली है और लिंगम और योनि के स्टोन सिंबल्स भी मिले हैं और जो ग्रेनरीज तो है ही सबसे यूनिक यहाँ पर, जो सब सब जानते हैं इसके बारे में, और कॉपर का ब्लॉक कार्ड जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, प्रगति। अब प्रगति जो है वो किसके अंडर काम करता है, क्या ये DARPG जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर जो आता है, क्या ये उसके अंदर इंप्लीमेंट होता है, क्या उसके अंदर ही आता है? नहीं, ये डायरेक्टली PMO के अंडर आता है। अभी 30वीं एक जो इंटरेक्शन हुआ था 30th नंबर का प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि इसमें तीन टीयर सिस्टम है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं है सिस्टम, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज नहीं है, सबसे ऊपर है PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डायरेक्टली, उसके बाद में है जो यूनियन सेक्रेटरी, गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, उसके बाद में स्टेट्स में आते हैं चीफ सेक्रेटरीज। स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट एक अथॉरिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक पोस्ट है, तो वो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो ये तीन लेवल हैं जिसके अंदर इस प्रोएक्टिव गवर्नेंस के इशू को और टाइमली इंप्लीमेंटेशन कैसे सर्विसेज का वो देखा जाता है, तो ये PMO के अंडर ये आता है। तो ये थ्री टीयर सिस्टम है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये गलत है और पहला भी गलत है, क्योंकि डायरेक्टली PMO के अंडर ही आता है और PMO के अंडर ही नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने मिलकर ये बनाया है वहां पर, तो ये दोनों गलत होंगे, डी नन इसका आंसर होगा। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें PDF में, ये आप पढ़ सकते हो, PMO यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये है, और NIC ने PMO के साथ में मिलकर बनाया है, तो इसका नाम है प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, प्रगति इस तरह से इसका नाम रखा गया है। और देखिए इसमें तीन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाएंगी, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, तीनों ही लेटेस्ट क्या मतलब कुछ सालों से चल रही है, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो इनका बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है IPBES, ये एक असेसमेंट है और ये एक असेसमेंट जो है वो इंटर गवर्नमेंटल एक बॉडी है जो ये असेसमेंट करती है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो इसके मेंबर्स हैं, 130 देश इसके मेंबर हैं, इन्होंने असेसमेंट किया है, क्योंकि ये इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी के रिगार्डिंग ये असेसमेंट होता है। तो ये क्या कह, ये कहते हैं कि 90% जो है वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट जो हैं, जो एडवांस्ड होते हैं, वो क्या एनिमल पॉलिनेशन पर डिपेंड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, देखिए एनिमल पॉलिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक गाय मान लीजिए कहीं पर चल रही होती है, किसी खेत में बैठी है, उसी खेत के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, आपने कई बार देखा होगा कुछ चुभने वाले जिसको बोलते हैं, कई अलग अलग नाम होता है लोकली उनका गाँव के अंदर, वो जो नुकीले से जो कांटे वगैरह से लगे होते हैं, गोल सा होता है, उसके चारों तरफ कांटे कांटे होते हैं, वो एक्चुअल में उसके अंदर बीज होता है और वो उसके खाल पे चिपक जाते हैं, वो कहीं और जाके बैठती है, तो गाय अगर कहीं और जाके बैठेगी तो क्या होगा, फिर वो वहां पे उस जमीन पे गिर जाएंगे और वहां पर पौधा उग जाएगा। तो इस तरह से ये एनिमल पोलिनेशन है, ऐसे ही जो मधुमक्खी होती है, कुछ तितली होती है, ये सब पोलिनेशन करती हैं, ये पोलन जो पोलन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, उनको ये मतलब ट्रांसफर करते हैं, ये उनकी बॉडी में चिपक जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। इस तरह से ही हमारे को एक बड़ी यूनिक बात लगती है और थोड़ा सा ज्यादा इस पर ध्यान नहीं आता है, छोटी मोटी बात लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। इस धरती के ऊपर जो प्लांटिंग है, जो सारा क्रॉप्स हैं, कोई जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं में अधिकतर ये इशू होता है पोलन्स वाला, तो बहुत बड़ा रोल है इनके एग्जिस्टेंस में। अगर ये नहीं होंगे, मधुमक्खी तितली ये सब अगर खत्म हो जाएंगे, तो बहुत सारे वेजिटेशन दुनिया में एंड हो जाएगी। 90% वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट जो है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, और पेस्टिसाइड जो हम यूज कर रहे हैं काफी ज्यादा, ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इनसे मर जाते हैं, ये नहीं आ पाते हैं, और इनके कारण जो है ये सारा पोलिनेशन बड़ा खतरे में पड़ गया है, और अराउंड 16% शायद जो वर्टिब्रेट जो पॉपुलेशन जो है वो एक्सटेंशन के कगार के ऊपर है, तो पोलिनेशन बहुत खतरे में पड़ गया है। तो नियो निकोटिनोइड और इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सारे पोलिनेटर्स को थ्रेटन कर रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। आंसर होगा सी बोथ, 90% सारे प्लांट्स जो हैं वो इस पर डिपेंडेंट रहते हैं, 16% वर्टिब्रेट पोलिनेटर्स जो हैं वो थ्रेटन है ग्लोबल एक्सटेंशन से, क्योंकि स्पीसीज जो है बहुत फास्ट गायब हो रही है धरती से, एक तरह से मास एक्सटेंशन का फेज चल रहा है जो कि सबसे फास्टेस्ट अभी तक का। पुरानी जब जियोलॉजिकल पास्ट धरती का देखते हैं तो एक जो सीजन ऐसा आता है कि जहां पर मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उसमें लाखों करोड़ों साल लगे हैं, लेकिन अभी जो स्पीड चल रही है वो कुछ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के अंदर ही, और बहुत सारे स्पीशीज जो है वो गायब हो रही धरती से। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है।
तो ये इशू है। और अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 577 बिलियन डॉलर का जो है एनुअल ग्लोबल फूड प्रोडक्शन जो है वो इससे डायरेक्टली इस पर डिपेंडेंट है और वो खतरे में पड़ गया है। ठीक है, ये देखिए ये जानवर है, ये भी पॉलिनेशन करता है, ये चिड़िया है ये भी कर रही है, ये जो कीड़ा है ये भी कर रहा है, ये सब करते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा हे फीवर एक होता है, कुछ सीजन आते हैं जिस टाइम पर पोलन्स काफी ज्यादा हवा में उड़ते हैं, हवा से भी बहुत ट्रांसफर होते हैं, तो उस सीजन में बहुत लोगों को छींकें आती हैं, बुखार हो जाती है, क्योंकि वो पोलन्स की एलर्जी होती है। तो वही पोलन्स हैं जो कि कहीं और जाकर उस पौधे को उगने में हेल्प करते हैं, तो वो एक्चुअल में उनके जिसको बोल सकते हैं कि जैसे उनके बीज हैं, आप इस तरह से मान सकते हो जनरली, मतलब एक तरह से वो बीज हैं उसके, और वो कहीं और जाकर ट्रांसफर होते हैं, तो वो फैलती है, मतलब जो उसकी पॉपुलेशन है वो। तो IPBES जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और 2012 में ये एस्टेब्लिश हुआ था मेंबर स्टेट्स के द्वारा। 130 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, NGOs भी आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, गवर्नमेंट्स भी आती हैं, सिविल सोसाइटी भी आती है, सब आते हैं इसमें। और इसका क्या नाम है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बहुत ही यूनिक है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। अभी ये क्या है, ग्लोबल कोलिशन है जो विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स के ऊपर है, और वो चौथी अफ्रीकन कंट्री अभी नाइजीरिया बन गई है। डाउन टू अर्थ में ये सारा इशू आया था और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। IPBES के बारे में पूछ सकते हैं या फिर इस ग्लोबल कोलिशन के बारे में पूछ सकते हैं, और ये इसके सारे सिग्नेटरीज हैं। नेक्स्ट, इमुवैक और VPM 1002, ये क्या है, ये वैक्सीन है, लेकिन ये किसकी किस बीमारी से रिलेटेड है, किसके लिए वैक्सीन बनाई गई है, नई वैक्सीन है। इबोला, टीबी, मीजल्स और मलेरिया सबकी जो है वैक्सीन वो न्यूज में हैं, और इबोला का भी ट्रायल जो है वो चला था और ये जरूरी भी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन पास नहीं हो पाई है। मलेरिया का भी मालावी कंट्री में चल रहा था, इसका जो ट्रायल है वो भी चल रहा था। मीजल्स के वैक्सीन के भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, मीजल्स की वैक्सीन पहले से हमारे पास है, मलेरिया की नहीं है, इबोला की नहीं है, टीबी की है, BCG वैक्सीन होती है लेकिन 100 साल पुरानी है, इतनी काम नहीं करती अभी। और अभी तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो भी केस आ गए हैं, तो एंटीबायोटिक्स ही मेन है इसमें, लेकिन ये वैक्सीन टीबी के रिगार्डिंग है। तो आंसर होगा बी, इमुवैक और VPM 1002, और इंडिया में बनी है, एक ICMR जो है उन्होंने लॉन्च किया है इसको, इंडिया के फर्स्ट लार्ज स्केल ट्रायल। दो ये वैक्सीन है, इमुवैक और VPM 1002। और इसमें देखिए इशू क्या होता है, लेटेंट टीबी, जैसे कि किसी को पहले हुई है और बाद में थोड़ी सी दवाई ले ली, पूरा कोर्स नहीं लिया, एक बार वो दब गई, लेकिन बाद में दोबारा से वो MDR टीबी बन के आती है, तो ऐसा नहीं हो ना, दोबारा से वो टीबी रिलैप्स नहीं हो, उसमें भी ये काम करेगी, इसलिए एडल्ट्स भी इसको लेंगे, बच्चे भी लेंगे, सब इसको लेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन होने वाली है। इमुवैक जो है वो अहमदाबाद बेस्ड कैडिला जो फार्मेसी है उसने बनाई है, और VPM 1002 जो है वो पुणे में एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो इसने बनाया है। ये दो हैं, ठीक है। और BCG जो है, बैसिलस कामेट ग्यूरिन, ये नाम से एक वैक्सीन है जो पूरी दुनिया में यूज होती है, लेकिन ये बहुत पुरानी हो चुकी है और इतना काम ये अभी नहीं कर पा रही है, इतना प्रिवेंशन नहीं कर पा रही है, लेकिन ये दी जाती है। और इंडिया में टीबी का सबसे बड़ा बॉर्डर है, इंडिया में सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं, और इंडिया में MDR टीबी जो है उसके पेशेंट सबसे ही ज्यादा हैं, और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल नेशन है ये जो दुनिया में MDR टीबी जो है उसको इसने इंट्रोड्यूस किया, और ये फैल भी रही है, क्योंकि यहीं पे जो पेशेंट्स ऐसे थे, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे देशों के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा घनी आबादी है, गरीबी है, और वो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं, उसके कारण वो फिर बैक्टीरिया जो है वो रजिस्ट हो गए हैं और वो MDR टीबी क्रिएट करते हैं। तो 27% जो ग्लोबल बर्डन है वो इंडिया का है। और HIV टीबी का एक नेक्सस होता है, जिन लोगों को HIV हो जाता है उन लोगों को टीबी बहुत होता है, तो 87,000 लोग जो हैं HIV टीबी का जो को इन्फेक्शन होता है उससे मरते हैं। ये बहुत बड़ा यूनिक एक कॉम्बिनेशन है, और जिससे बहुत लोग मरते हैं, HIV वाले अधिकतर लोग टीबी से ही मरते हैं, क्योंकि वो टीबी MDR टीबी बन जाती है, उस पर दवाइयाँ भी काम नहीं करती और बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी वीक है, इसलिए HIV टीबी से लोग मरते हैं बहुत ही ज़्यादा, ये इशू है। और इसलिए हमने NTB का प्रोग्राम भी बनाया है जिसमें 2025 का टारगेट है, बहुत सारी बातें उसके रिगार्डिंग है, और ये तो वैक्सीन बड़ी काम आने वाली है, और ये HIV टीबी वाला जो कंपोनेंट है वो इसमें स्पेसिफिक फोकस पे है। नेक्स्ट, एमबिस सिस्टम, ये किससे रिलेटेड है, अभी न्यूज में आया था, महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया जिसने एमबिस सिस्टम को लागू किया है, और ये डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है। पहले जो पाम और फिंगरप्रिंटिंग वाला जो आइडेंटिफिकेशन होता था उसको अपग्रेड किया गया अभी, ये क्योंकि ये डिजिटल आइडेंटिफिकेशन होगा, इसमें कॉर्निया का और वो जो बायोलॉजिकल जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो इसमें रिकॉग्नाइज होते हैं। तो ये मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है एमबिस, महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया जिसने इसको पुलिस स्टेशन वगैरह में अभी डिप्लॉय किया है, CCTNS जिसे जोड़ दिया गया है उन स्टेशन को, और पहले AFIS होता था उसी का अपडेटेड वर्जन ये है एमबिस। नेक्स्ट है रेमन मैक्सिस अवार्ड,
अभी रिसेंटली रवीश कुमार जी जो एनडीटीवी के जो एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, इस एज के अंदर ऐसे जर्नलिस्ट मिलना बहुत मुश्किल है जो इतने प्रेशर के बावजूद जो हैं लगातार उस चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं, एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन किए हुए हैं। बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होंगे लेकिन जो एक रियलिटी है वो है ही, और उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड अभी मिला है, एशिया का नोबेल उसको बोलते हैं, बिल्कुल सही है, और ये हाईएस्ट ऑनर भी है एशिया के अंदर, मतलब इस कई तरह के एरियाज में मिलता है ये। और 1957 में ये एस्टेब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पर रॉकफेलर ब्रदर्स एक जो उनका पूरा जो एक ग्रुप है, जो पूरा एक फाउंडेशन है, और मलेशियन गवर्नमेंट नहीं है, फिलीपीन गवर्नमेंट, क्योंकि तीसरे प्रेसिडेंट फिलीपींस के थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे अवार्ड पड़ा था, तो ये गलत होगा, मलेशियन गवर्नमेंट के नहीं है, फिलीपीनो गवर्नमेंट के हैं, तो दूसरा गलत पहला सही, ओनली वन इसका आंसर होगा। और ये साल के अवार्डी हैं कोसेविन जो है वो म्यांमार में है, जिनको ये मिला है मीडिया के ट्रूथ टेलिंग के लिए, और थाईलैंड की नीला बिजित अंखाना है इनको मिला है जस्टिस सिस्टम्स के लिए, रवीश कुमार जी को इंडिया से मिला है, और ये फिलीपींस से हैं और ये साउथ कोरिया से हैं, तो ये एशिया के नोबल है इस बार के, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको फेमसली एशिया का नोबल बोलते हैं। चांगताई गोट ये कहाँ मिलती है? चांगताई गोट न्यूज में आई थी अभी, हिली एरियाज में मिलती है, गोट्स काफ़ी होते हैं हिली एरियाज में, आपको पता ही है गोट हैं, याक हैं, भेड़ें बहुत मिलती हैं, और ये गोट है अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलती है, ये जम्मू कश्मीर और जो तिब्बत वाला एरिया है, वेस्टर्न तिब्बत वाला, वहाँ पर ये मिलती है, लद्दाख के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये मिलती हैं। और जो पश्मीना वूल आपने सुनी होगी, पश्मीना जो शॉल होते हैं, पश्मीना जो ऊन मिलती है वो इसी गोट से मिलती है, गोट है, पश्मीना वूल किसी भेड़ से नहीं मिलती है, पश्मीना गोट है, और इसको चांगताई गोट एक्चुअली में बोलते हैं, ये एक कम्युनिटी है, और चांगताई कम्युनिटी चांगताई हर्डर्स भी होते हैं, और उन्हीं की ये है, और वो उसी एरिया में रहते हैं, और इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित नहीं किया गया है, ये ऐसा नहीं है, अभी इशू ये है कि इसको BIS का एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मिला है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का हॉलमार्क जिसे आपने सुना होगा, उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक जो है डायरेक्टिव जारी किया है और इसको रिकॉग्निशन दिया है, तो दोनों इसमें गलत है, D9 इसका आंसर होगा। ये देखिए ये है चांगताई गोट या पश्मीना गोट जिसको बोलते हैं, लद्दाख है, बहुत ही सुंदर जगह है, और इसमें देखिए कश्मीर पश्मीना वूल काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही महंगे इसके शॉल बनते हैं, और कश्मीर रीजन के अंदर जो ये चांगपा कम्युनिटी होती है, ये एक्चुअल में ड्रोकपा कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है, उसी का एक सबसेक्ट है नॉर्थ इंडियन स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लद्दाख रीजन है वहाँ पर ये मिलते हैं, और वहाँ पर बहुत ठंड होती है, -20 degrees तक टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पर ये जो वूल है जो उसकी बकरी खाल पे होती है वो उसको बचाती है, इसलिए इससे शॉल बनता है, और ये पश्मीना गोट जो है इसको बोलते हैं। एक नूरी नाम की जो गोट पश्मीना गोट है उसको क्लोन किया गया था 2012 के अंदर, तो आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा सर जो इशू ये है, ये एक जो PIB में आया है कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ने ये डायरेक्टिव जारी किया है कि BIS का जो स्टैंडर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन मार्किंग और लेबलिंग जो होती है पश्मीना प्रोडक्ट्स की, उसको सर्टिफाई करने के लिए और उसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उसका कोई मतलब मिसयूज नहीं करे, कोई उसका फर्जी कॉपी ना बनाए, उसके लिए इन्होंने रिकॉग्निशन दिया है। ठीक है, ये 12 से 15 माइक्रोन की जो थिकनेस होती है इसके फाइबर की, और उससे ये जो है वूल बनती है मेनली, इसलिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड फेमस ही है। सो ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।